एक बार की बात है, गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उसकी हालत खराब होने लगी। अब कौवे को लगने लगा कि उसकी मौत नजदीक है, लेकिन तभी उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कौवे की चोंच उस पानी तक पहुंच सके। कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब कौवा पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वह प्यासा था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नजर घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी, और कंकड़ों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। उसने एक एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। फिर काफी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरण का शिकार किया। शिकार के बाद पर वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दीबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे न कुछ खाते बन रहा था न ही पीते। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उसके मुंह में अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। बिना देर किए भेदिया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है, क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद में उसे भेड़िए पर दया आ गया और वह तैयार हो गया। भेड़िया मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसमें अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में खुजानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेदिए के मन में लालच जागने लगा। वो सोचने लगा कि यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मजा आ जाता, लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मार कर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया न ही इनाम। सारस ने उसे रोक कर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेदिया बोला, एक भेदिए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो, क्या यह तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेदिया चला गया और सारस मुंह लटका कर खद्दाहा रह गया। हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।